तो क्या आपको पता है कि 8-digit बैकअप कोड का क्या यूज़ होता है? ये मैंने ऑलरेडी लाइक 2 से 3 वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, लेकिन मैं सोचा कि एक वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना दूँ जो लाइक इस चीज़ से बिल्कुल ही बेखबर है कि 8-digit बैकअप कोड नाम की एक चीज़ होती है, एंड वो आपको जो फंसी हुई सिचुएशन है उसमें काफ़ी हेल्प कर सकती है। ओके, बेसिकली मुझे भी नहीं पता था, वही बात है लाइक लोग गलती से ही सीखते हैं, तो मैंने भी गलती की, मेरा चैनल हैक हुआ, एंड उसके बाद मैंने एक चीज़ लर्न कर ली जिससे कि मैंने 8-digit बैकअप कोड का बैकअप ले लिया। तो अगर आपको अपना चैनल हैक होने से बचाना है या हैक हुआ चैनल वापस रिकॉर्ड करना है, तो ये 8-digit बैकअप कोड आपको काफ़ी मदद देंगे, एंड यही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जेंस टेक, एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने जो कंप्यूटर स्क्रीन है वहाँ पे। ओके, तो रिकॉर्डिंग मैं ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे आप जो इंटरफेस देख रहे हैं बेसिकली ये होता है 8-digit बैकअप कोड। ओके, एंड ये लाइक मल्टीपल होते हैं, अराउंड 10 बैकअप कोड गूगल आपको देता है। ओके, पर्पज़ क्या होता है, हैकर ने आपका चैनल हैक कर लिया है तो उसमें रिकवरी फॉर्म के माध्यम से, रिकवरी पेज के माध्यम से आपको गूगल सिक्योरिटी क्वेश्चन में एक 8-digit बैकअप कोड का ऑप्शन आता है। ओके, वहाँ पे जो लेटेस्ट पासवर्ड है उसका ऑप्शन आएगा, नहीं है आप हैकर ने आपकी ईमेल आईडी चेंज कर दी है वो नहीं है आपके पास, मोबाइल नंबर चेंज कर दिया वो नहीं है आपके पास, तो बैकअप कोड ऐसी चीज़ है वो चेंज नहीं कर सकता, एंड ये आपको काफ़ी मदद देगा, आप अपना अकाउंट इससे रिकवर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आता है आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन, एंटर वन ऑफ योर 8-digit बैकअप कोड करके आएगा, तो यहाँ ये अगर आप फिल करेंगे देन डेफिनेटली आपका अकाउंट रिकवर हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आपका अकाउंट रिकवर नहीं हो रहा देन आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, एंड मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। तो ये लगा इस वीडियो के लिए 8-digit बैकअप कोड का महत्व मैं आपको बता रहा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, बाय बाय।